दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक 53 साल की उम्र में मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुंतन उर्फ के हमारे बीच नहीं रहे। मंगलवार को कोलकाता के नजरुल मंच पर एक कॉलेज इवेंट में उन्होंने परफॉर्म किया था। कॉन्सर्ट के बाद वो सीधा होटल चले गए और वहाँ पे बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत कोलकाता के CMRI हॉस्पिटल ले जाया गया और रात 10:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये खबर सुन के हम सब शॉक में है। मतलब मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और जो 90s और 2000 के दौर के बच्चे होंगे वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमने क्या खो दिया। मतलब कल ही मैं उनके गाने सुन रहा था और आज ये खबर आ गई। सिंगर केके के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ट्वीट करके लिखते हैं कि सिंगर कृष्ण कुमार कुंतन, जिन्हें लोग केके के नाम से जानते हैं, उनके निधन से काफी दुखी हूँ। उनके गानों में कई तरह के इमोशन थे जो हर लोगों के दिलों को छू जाते थे। लोगों ने उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। फैंस और परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। श्रेया घोषाल ने ट्विटर पर उनका आखिरी परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि म्यूजिक के मास्टर केके का निधन, उनका नजरुल मंच पर आखिरी म्यूजिक शो। तो वहीं अक्षय कुमार ने सिंगर केके को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि केके के बारे में जानकर मैं काफी दुखी और हैरान हूँ। ये बहुत बड़ा लॉस है। ओम शांति। और ये सच में म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है। आज हमने एक लेजेंड खो दिया। वी मिस यू।